तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुसी कॉइन, सुसी स्वैप कॉइन के प्राइस मोमेंट के बारे में, एंट्री लेवल्स, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं और जिनका पोर्टफोलियो पहले से डाउन है, 50-60-80% डाउन है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटेजी शेयर की जा सके, कैसे आपको क्रिप्टो लॉसेस को मैनेज करना है, कैसे पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, सिग्नल शेयर किए जाएंगे, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो इंटरेस्टेड है वो इंस्टा पर डीएम करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। करंटली कॉइन 0.948 पर ट्रेड कर रहा है, कल से अभी तक इसके प्राइस में 3% का डंप देखने को मिला। अभी रिसेंटली इसने 0.916 वाला लो बनाया और अभी भी इस कॉइन में एक अच्छी अपोस्ट देखने को मिल रही है। डेली का चार्ट ओपन करते हैं तो जो हमने प्रीवियस वीडियो शेयर किया था ऑलमोस्ट 10-12 डेज एगो, उसमें हमने 98 और 93 वाले दो लेवल पर एंट्री शेयर की थी। आई होप आपने वहाँ पर एंट्री ली होगी और उसी लेवल पर ये कॉइन स्टेबल है। दो लेवल पर आपको एंट्री हमने शेयर की थी और इसीलिए हम आपको बताते हैं, कभी जब हमें एक्सपेक्टेशन रहती है कि और भी कुछ थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, हम अच्छे लेवल पर आपको एंट्री शेयर करने की कोशिश करते हैं और वहां पर हम आपको बताते हैं कि आपको प्रॉपर एंट्री कहां पर लेनी है और कितने पार्ट में लेनी है। ये चीज़ हम इसीलिए बताते हैं, जैसे हमने 98 और 93 दो लेवल पर एंट्री शेयर की थी और आप अगर देखेंगे तो जो दूसरा लेवल है उसके ऊपर अभी भी ये कॉइन ट्रेड कर रहा है और स्टेबिलिटी भी है। सपोर्ट एरिया की अगर बात तो 90 वाला एरिया जो है वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है, जहां पर अभी करेंटली कॉइन ट्रेड कर रहा, उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा और पिछले 8 दिन से उससे ऊपर वाले एरिया पर स्टेबिलिटी मेंटेन की हुई है। थोड़ा सा मूवमेंट भी हुआ था, अगर आप देखें तो 1 USDT से ऊपर चली गई थी प्राइस, लेकिन मार्केट की जो कंडीशन है, BTC की अगर कंडीशन देखें तो 16,600 पर अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है और पिछले 10 दिनों से इसी एरिया पर 16,600, 16,800, 16,900 पर ही ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। तो जैसे ही BTC में थोड़ा सा मूवमेंट होगा, BTC 17,400 से लेके 600 या 800 तक जाएगा, ये कॉइन आपको इजीली 1.1 से लेके 1.2, 1.3 पर ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से 20-30% का प्रॉफिट देकर चला जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है जहाँ पर FTX कोलैप्स हुआ था, उस टाइम पे आप लोगों ने एंट्री लेकर ये 1.4 वाला लेवल ग्रेप किया था, वहाँ पर भी हमने आपको एंट्री शेयर करके अच्छा प्रॉफिट आपको दिलवाया था। तो जो लोग हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो एक इस टाइप से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अब अभी करेंटली जिन लोगों ने उस टाइम पे एंट्री नहीं ली थी और अभी इस कॉइन में एंट्री देख रहे हैं, मिस कर दी थी, उनके लिए भी अभी भी अपॉर्चुनिटी है। अभी भी अगर आप एंट्री लेना चाहें तो बहुत अच्छा लेवल है, 4 आवर में भी अगर देखें आप तो इस एरिया पर बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है। तो एंट्री की अगर बात कर लें तो 95 के अराउंड में ट्रेड कर रहा, इस लेवल पर आप एंट्री ले सकते हैं, एक सेफ एंट्री है। एंट्री आपको 80% पार्ट से लेनी है, जो भी आप अमाउंट लगाना चाहते हैं अभी इस कॉइन में, जैसे आपको 5000 लगाना है, 5000 INR, तो आपको 4000 के अराउंड में अभी ये करेंट प्राइस पर एंट्री लेनी है। उसके बाद अगर ये नीचे वाले एरिया को ट्राई करता है, जैसे यहाँ पर अगर देखें तो 916 तक ट्राई किया था, तो इस टाइप का एरिया अगर ये ट्राई करता है तो 90 के अराउंड में 0.90 पर आपको सेकेंड एंट्री लेनी है 20% पार्ट से। इस टाइप से 80-20 की रेशो में आपको एंट्री लेनी है, एक अच्छा लेवल हो जाएगा। अब टारगेट्स की अगर बात करें तो ऊपर की तरफ इस कॉइन को 1.1 USDT वाला एरिया जो है वो रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि प्रीवियसली इसके लिए सपोर्ट था। उसके बाद 1.35 अराउंड में नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, तो 1.1 को जैसे ही ये क्रॉस करेगा, 1.2 तक ये ट्राई करेगा और ट्रेडिंग परस्पेक्टिव वालों को वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना। 1.2 USDT पर आपको 60% पार्ट सेल आउट करना, 1.3 USDT पर 40% पार्ट सेल आउट करना, इस टाइप से 60-40 के रेशो में आपको सेल आउट करके प्रॉफिट बुक करना है। शॉर्ट टर्म में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जिनका शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव है 15-20 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ का, उनके लिए 1.4 USDT से लेके 1.45 USDT वाला टारगेट रहेगा। जो भी एरियाज में आपको बता रहा हूँ उनकी सेल लिमिट आपको लगा देनी है, कभी आप मिस कर देते हैं, कभी नाइट के टाइम में ब्रेकआउट हो जाता है, हम उसको देख नहीं पाते, तो वो मिस नहीं होना चाहिए। हम अभी करेंटली जो मार्केट की सिचुएशन है, इसमें आपको रेगुलर प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है, आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप भूल जाइए कि आपको 1-2 साल इन्वेस्ट करना है, खत्म। लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो आपको रेगुलर
वॉच करना है और आपको सेल लिमिट तो लगा के ही रखनी है। इसके अलावा अगर आप वॉच करते हैं तो वो अच्छी बात है, कुछ चीज़ें अगर आप सीखते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिग्नल जो मैं आपको शेयर करता हूँ वीडियो के थ्रू, वहाँ पर आपको प्रॉपर बाय लिमिट और सेल लिमिट लगा देनी है। अगर आप इस कॉइन में लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हैं तो अच्छा खासा पोटेंशियल कॉइन है, स्ट्रॉन्ग कॉइन है और लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। क्विक रिकवरी कॉइन है, BTC क्रिप्टोकरेंसी मार्केट जिस टाइप से रिकवर होगा, जैसे ही एक अल्ट्स में रैली आपको देखने को मिलेगी, अल्ट्स कॉइन में मूवमेंट देखने को मिलेगा, ये कॉइन भी अच्छा रिकवर करेगा, आपको इजीली 7-8-10 USDT पर ट्रेड करता हो दिख जाएगा लॉन्ग टर्म में, 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर में। बाकी जो नए इन्वेस्टर और जिनका क्रिप्टो में पहले से पोर्टफोलियो डाउन के अंदर है 70-80%, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर एनरोल करें ताकि आप क्रिप्टो लॉसेस को मैनेज कर पाएं। नए इन्वेस्टर क्रिप्टो में लॉस नहीं हो, उनको इस टाइप के सिग्नल उनको शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स से टेक्निकल चीज़ें सीखने को मिलेगी। आपको ओवर ट्रेडिंग कैसे मैनेज करना है, ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा लॉस ओवर ट्रेडिंग में ही होता है, इस चीज़ का आपको भी रियलाइजेशन होगा और कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि ओवर ट्रेडिंग क्या है, कैसे आप ओवर ट्रेडिंग को मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जो इंटरेस्टेड है वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप के वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक है, उनको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें ताकि इस टाइप की रेगुलर अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलते रहें। थैंक यू।